दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम से बदला लेने के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहला T20 मैच जीत जाने के बाद अब दूसरे T20 मैच को जीतने के लिए अपने कदम रख दिए। भारतीय महिला टीम ने जीत लिया है टॉस, हो चुका है मुकाबला शुरू। आखिरकार कितनी गेंदों पर चाहिए कितने रन, किसने जड़ दिया है शतक, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा इस रोमांचक मैच को देखने के लिए अंत तक वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम में से कौन सी टीम दूसरा T20 अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच 3 मैच की T20 श्रृंखला खेली जा रही है। और दोस्तों भारतीय महिला टीम के आंकड़े हर किसी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के आगे आखिरकार कैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला T20 मुकाबला भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा देने के बाद 1-0 से बढ़त हासिल कर रखी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले को भारतीय महिला टीम ने दमदार वापसी करते हुए 9 विकेट से अपने नाम किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 141 रन ही बना पाई थी और भारतीय महिला टीम ने सैफाली वर्मा की ताबड़तोड़ 64 रन की पारी के बलबूते पर 145 रन बनाकर यह मुकाबला 9 विकेट से जीता। और अब 1-0 की बढ़त मिल जाने के बाद वनडे सीरीज का बदला लेने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, जहां हरमनप्रीत कौर ने नई खिलाड़ियों की वापसी करवाते से ही अपनी टीम को इतना मजबूत बना दिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थर थर कांप रही है। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम और भारतीय महिला टीम के आंकड़ों के बारे में, तो आपको हम बताते हुए चले कि इन दोनों टीमों के बीच आज तक कुल मिलाकर 30 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहाँ 30 में से 23 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के नाम रहे हैं। तो वहीं 7 मैच में हरमनप्रीत कौर की टीम जीत पाने में कामयाब हो सकी है। तो दोस्तों आप सभी इन आंकड़ों से तो अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय टीम अगर दूसरा T20 जीतना चाहती है तो उनको एक बार फिर से करिश्मा करना पड़ेगा, और ऐसा ही भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपनी टीम से करवाना भी चाहती है। तो वहीं अगर बात की जाए इस मुकाबले के बारे में, तो दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला आप सभी लाइव अपने टेलीविजन पर स्पोर्ट्स 18 के चैनल्स पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में देख सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी इस मैच का आनंद उठा पाओगे। तो वहीं बात की जाए मैच के बारे में, तो दोस्तों हर किसी को बस यही उम्मीद है कि डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया जबरदस्त जीत हासिल करे, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने अभी भारत को टेस्ट और फिर ओडीआई सीरीज में मात दी थी। अब T20 में ही हमारे पास मौका बचा है कि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सके। तो वहीं अगर बात की जाए पहले प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से एलिसा हिली उनकी टीम के लिए कप्तानी कर रही हैं। तो वहीं बेथ मूनी टीम का हिस्सा बनी हुई है तालिया मैकग्रैथ, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, फियोबे लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहाम, मेगन शूट, डार्सी ब्राउन खेलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात की जाए अगर भारतीय महिला टीम के बारे में, तो भारत की तरफ से स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा, जमायमा रोड्रिगेस, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष, पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल, तीता साधु और रेणुका सिंह को मौका मिला है। तो दोस्तों यही है भारतीय महिला टीम। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर हर किसी को यही उम्मीद है कि स्मृति मंदाना और सैफाली वर्मा एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय महिला टीम को आज जीत दिलाएं। तो वहीं स्मृति मंदाना से तो सबको उम्मीद है कि एक दमदार पारी देखने के लिए मिल सकेगी, और वहीं दूसरी तरफ सैफाली वर्मा के बल्ले से शतक देखने की इच्छा पूरे भारत देश को है। और बाकी गेंदबाजी में रेणुका सिंह, तीता साधु को कोई चमत्कार तो जरूर करना ही पड़ेगा 4-4 विकेट लेकर। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारतीय महिला टीम दूसरा T20 जीत पाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।